वेलकम टू माय चैनल नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ब्लेसो क्रीम ब्लीच के बारे में बात करूंगा। ब्लेसो ब्लीच क्रीम एक बहुत ही इंतहाई मुझसे क्रीम है जो गहरे तरीन रंग की नापसंदीदा और सख्त जान बालों, ख़ास तौर पर लेप करें थोड़ी गालों, बाजुओं और चेहरे जिसके अलावा जिस्म के दूसरे हिस्सों पर मौजूद बालों को बलतरीज ऐसे हल्के सुनहरी रंग में तब्दील कर देती है जो जिल्द की कुदरती रंगत से हम आहंग होते हैं। इस तरह नापसंदीदा और गहरे स्याह या ब्राउन बाल वाजिया तौर पर दिखाई नहीं देते। ब्लेसो क्रीम ब्लीच नापसंदीदा और सख्त जान बालों के लिए रंगत को तेज़ी से, आसानी से और मुसर तरीके से हल्के सुनहरी रंग में बदल देती है जो जिल्द की कुदरती रंगत से हम आहंग हो। नाज़रीन, इसको बनाने का तरीका क्या है? तरतीब इस्तेमाल, चेहरे या ब्लीच के लिए मुंतखब करदगा हिस्से को साबुन या ठंडे पानी से आस्की से धो लें, अच्छी तरह खुश कर लें। इसके बाद नाज़रीन क्रीम ब्लीच में जो है पाउडर और इसका जो है क्रीम अच्छी तरह मिक्स कर लें, यानी ब्लेसो क्रीम ब्लीच के 4 फुल जो चम्मच हैं ये डाल लें। और इसको इस्तेमाल करने के वक्त इस बात का ख्याल रखें कि इसको जब भी आप इस्तेमाल करें तो इसको आप शीशे की या प्लास्टिक के बर्तन में ही इस्तेमाल करें। अगर आप जो है कोई भी दाती बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो उसके केमिकल रिएक्शन की वजह से इस ब्लीच क्रीम का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। बेहतरीन नतज के लिए दोनों का यकजा होना लाजमी है, यानी कि इसको अच्छी तरह मिक्स होना लाजमी है इसका अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। चम्मच की मदद से जिस हिस्से पर आपने बालों पर ब्लीच इस्तेमाल करनी है साबुन से धोने के बाद अच्छी तरह इसको लेप कर लें और इस बात का इत्मीनान कर लें कि जिस हिस्से पर ब्लीच लगाई है वो अच्छी तरह बालों के अंदर जो है क्रीम जो है लग गई हो। मिक्स कर को 15 मिनट तक लगा रहने दें, फिर इसको प्लास्टिक के चम्मच से उतार लें। इसके अंदर ही एक प्लास्टिक का चम्मच मिलता है। 15 मिनट के बाद उसी से आप इसको एक साइड से उतार के देख लें। अगर आपको मतलब रिजल्ट मिल गया है तो आप इसको उतार लें, अगर आपको मिक्स रिजल्ट नहीं मिला तो आप जो है इसका जो है दुरानिया थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। पहले आपने 15 मिनट दिए थे, 5 मिनट या 2 मिनट और दे लें, इसके बाद आप इसको उतार लें। जब ब्लीच का रिजल्ट मिल जाए तो उतारने के बाद चेहरा या जिस्म के जिस हिस्से को आपने ब्लीच किया है इसे ठंडे पानी से उतार लें, यानी कि कोई भी सादा पानी है उससे आप उतार लें। उतारने के बाद आप जिल्द को खुश कर लें, फालतूशुदा मिक्सचर को ज़ाया कर दें। क्रीम के जार में हरगिज़ वापस ना डालें, यानी कि जो आपने मिक्स किया है अगर आपका वो मिक्सचर बच गया है तो आप उसको ज़ाया कर दें, उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। एहतियात, ना ब्लीच शुरू करने से पहले इस्तेमाल से मुतलका गौर से पढ़ लें। इस्तेमाल से पहले हमेशा इब्तदाई टेस्ट कर लें। इस्तेमाल से मुतलका दी गई हदायत के मुताबिक मिक्सचर को मिक्स करें, एक मुरबा इंच जिल्द पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर साफ पानी से धो दें। 24 घंटे इंतज़ार करें, अगर इस दौरान जिल्द पर कोई जलन या ख़ारिश ना हो और ब्लीच वाली जगह सुरख ना हो तो मिक्सचर चेहरे या जिस्म के दूसरे हिस्सों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई मसला हो तो आप इस मिक्सचर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आंखों में जाने से जो है इसको रोकें, अगर गलती से आंखों में चला जाए तो उसी वक्त सादा पानी से इसको जो है वॉश कर लें। अगर इस्तेमाल के बाद जलन महसूस हो तो मिक्सचर उतार दें। दोबारा लगाने से पहले 24 घंटे तक इंतज़ार करें। अगर इस वक्फे के दौरान आपको एलर्जी जलन वगैरह हो गई है तो दोबारा आप इसको इस्तेमाल ना करें। मिक्सचर को आप हमेशा जो है वो प्लास्टिक के बर्तन में ही इस्तेमाल करें या शीशे के बर्तन में, आप ज़ाती कोई भी बर्तन इस्तेमाल ना करें जैसे मैंने आपको पहले बताया है। आखिर में नाज़रीन, अगर आप ने ये सब तरीके इस्तेमाल कर लिए हों और आपको इससे फिर भी जलन हो तो आप इसमें जो है वाइटनिंग कैप्सूल जो मिलते हैं सीरम वाले वो इस्तेमाल कर लें। आखिर में नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करके इसके साथ लगी बेल आइकन पर दबा दें। आखिर में अगर आपको माइंड में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दूँगा। शुक्रिया।